हमारा यूरिन पासवर्ड निकाल करके फेंक दिया। एक होता है सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर, जो कैथेटर वहाँ पे कुछ दिन रुका रहे, 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते रुका रहे, 3 हफ्ते ज़्यादा नहीं, 3 हफ्ते के बाद फिर उसको निकाल करके दूसरा लगा जाता है। तो सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर जो होते हैं, इसमें बैलून होता है, ये बताते हैं। सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर लगाना हो तो पहले अपने हाथ को साफ करते हैं, दोनों हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनने के बाद ये स्टरलाइज पैक आता है, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर है, इसका नाम फोलेस कैथेटर, FOLEYS, फोलेस कैथेटर। तो नंबर 16, नंबर 18 ऐसे नंबर आते हैं, 14, 16, 18 नंबर आते हैं, ये सर 16 है ना, फोलेस कैथेटर सेल्फ रिटेनिंग है, उससे रुकता है। ये बाहर का कवर है, तो हाथ हमने रोकर के ग्लव्स पहना हुआ है, यहाँ पर कैथेटर लगाना है, यानी यूरेट्रा का मीटस, मीटस मतलब ओपनिंग छेद, चाहे मेल और फीमेल हो, यूरेट्रा की ओपनिंग। तो वहाँ पे कॉटन में सेवलॉन लेकर के उसे साफ करते हैं, स्प्रिट से साफ नहीं करते, सेवलॉन से साफ करते हैं, कोई तरह का इन्फेक्शन है तो वहाँ से दूर हो जाए। उसके बाद एक असिस्टेंट हमारा इसको खोलता है, बाहर वाला फ्लैप जो खोला है, तो ये अंदर पूरा का पूरा ये स्टरलाइज है, तो हमने अपना ग्लव्स पहना हुआ है, उस ग्लव्स पहने हुए ग्लव्स से इसको स्टरलाइज वाले को निकालना है। निकालने के बाद इसका ऊपर का हिस्सा पील करते हैं, हटा देते हैं, फाड़ते हैं, उसके अंदर से ये हमने कैथेटर निकाला है, ठीक है। ये कैथेटर जो हमने निकाला है, ये चूंकि स्टरलाइज है कि इंटेस्टाइन होने पाए, यहाँ पे जाइलोकिन जेली लगाते हैं। यूरिथ्रा का मीटस, यूरिथ्रा का जो छिद्र है, वहाँ पे जाइलोकिन जेली को रख करके पूरा दबा देते हैं, तो प्रेशर से जब हम जेली देते हैं तो पूरा यूरिथ्रा उसमें जेली लग जाता है। जेली दो काम करता है, एक तो लुब्रिकेशन का काम करता है, थोड़ा सा एनेस्थीसिया का भी काम करता है, क्योंकि फॉर्म बॉडी है तो नहीं लगाया तो होल्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। उसके बाद ये जो ओपनिंग है, ये बंद है, क्लोज है, इससे इसको धीरे धीरे पुश करते हैं। जब ये सफिशियंट अंदर चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में जाता है तो यहाँ से ये चौड़ा ओपनिंग है, यहाँ से यूरिन आना शुरू होता है, इसका मतलब है ये जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला गया, ठीक। अब चला गया है, लेकिन अब रुकना चाहिए, यदि हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, 10 ml की सिरिंज लेते हैं, 10 ml की सिरिंज में 10 ml डिस्टिल वाटर भर लेते हैं। डिस्टिल वाटर भरने के बाद छोटा सा ये लाल रंग का ट्यूब का एंड है, हमने ये डिस्टिल वाटर भर लिया है। नहीं हो डिस्टिल वाटर, आप कहीं ऐसे गाँव में एरिया में डिस्टिल वाटर नहीं मिल रहा, तो एयर भी भर सकते हैं, ठीक है। एयर भर दिया है, उसको भी यहाँ पे लगा दिया, लगाने के बाद इसको पुश किया, परिवर्तन दिखा, यस सर, ये फूल गया। अब ये फूलने के कारण से ये जो है ना अंदर यूरिनरी ब्लैडर में रुका रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर से बाहर नहीं आएगा। तो फीमेल में 10 ml पर्याप्त है डिस्टिल वाटर या एयर पुश करने के लिए, लेकिन मेल में 30 ml डिस्टिल वाटर या एयर पुश करते हैं। तो 10 ml हमने किया है, ये फिर से हम 10 ml, ठीक, ये फिर निकालिए, हमें वॉल्व है, नहीं निकले, बाहर नहीं आया है ना। और इससे बाहर निकलेगा, ठीक। अब इससे जब बाहर निकल रहा है, अब क्या करते हैं कि ये यूरो बैग कहलाता है, यूरिनरी कलेक्शन बैग, यूरिन कलेक्शन बैग, यानी यूरो बैग। इस यूरो बैग को यहाँ पे ऐसे फंसा दिया। अब ये अंदर है कितना, ठीक है, ये बाहर है, इसको लटका देते हैं बेड पे, यहाँ से पकड़ सकता है, इसमें यूरिन कलेक्शन होता है। जब ये भर गया तो उसको मेजरमेंट लेकर के उसको खाली कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि आउटपुट कितना आ रहा है, तो इसलिए मेजरमेंट भी लेना बहुत जरूरी है। 300 ml आया एक बार, फिर दूसरा 300 ml हमने फेंका, फिर 350 ml हमने फेंका, तो जितना ही फेंकते गए हैं तो 24 घंटे में कितना आउटपुट हुआ है वो निकाल लेते हैं। 3 हफ्ते के बाद इसको चेंज करना चाहिए। चेंज करने का तरीका बिल्कुल जैसे हम गए थे
वैसे ही वापस आएंगे। कैसे गए थे हम, तो इसमें हमने ये सिलिंग बंद है ना, उसके अंदर एयर या डिस्टिल वाटर जो भी भरा हुआ है, प्रेशर से अपने आप सिंक हो गया। अब जैसे ही पूरा पूरा श्रिंक हो जाता है, बैलून ये गुब्बारे जैसे बोले उसको बैलून होते हैं, बैलून श्रिंक हो गया, अभी आराम से उसको निकाल सकते हैं। डिस्टिल वाटर जब भरते हैं, कई बार हमें डिस्टिल वाटर नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं कि नॉर्मल वाटर भी भर जाते हैं इमरजेंसी में। लेकिन नॉर्मल वाटर में क्या होता है कि क्रिस्टल्स होते हैं, कैल्शियम के होते हैं या दूसरे आज के क्रिस्टल्स होते हैं, तो कई बार वहाँ जा करके इसका जो ट्यूब है पतला सा, उस ट्यूब में जाके पानी तो ब्लॉक कर देता है। हार्ड वाटर जैसे है तो हार्ड वाटर कांड से ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, ट्यूब ब्लॉक हो गई तो ये बैलून जो फूला हुआ है, जब तक बैलून बचकेगा नहीं बाहर नहीं निकल सकता है। ऐसी स्थिति में एक इमरजेंसी सेटअप है, एक दूसरा पुलिस के तहत हम बिल्कुल रेडी रखते हैं, ठीक, ढेर सारा डिस्टिल वाटर एक बर्तन में रेडी रखते हैं ढेर सारा। यहाँ पे हम इस एंड से ईथर 2 ml जाते हैं, 2 ml इसको हम पुश करते हैं। जब ईथर पुश करते हैं तो ये रबर है, रबर को गला देता है ईथर, इसकी वॉल बैलून की बहुत पतली है, थिन वॉल है, तो थिन वॉल ने रबर को गला देगा तो बैलून फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। जैसे ही बैलून बस्ट हुआ इसको खींच देते हैं, ये तो निकल के आ गया, लेकिन ईथर हमारा अंदर यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ फैल जाता है। ईथर जब फैलता है तो इतना तेज जलन होता है कि पेशेंट हमारा उचकता है, जंपिंग जंपिंग करता है। इमीडिएट उसको जो है दूसरा कैथेटर हम पास करते हैं, पास करके यहाँ से ढेर सारा डिस्टिल वाटर हम पुश करते हैं, यहाँ से पुश करते हैं फिर यहीं से निकलता है, यहाँ से पुश करते हैं निकलता है, तो वॉश करते हैं तो जितना भी ईथर है उसको डिजॉल्व करके बाहर निकल आता है, जब ईथर बाहर निकल आता है तो पेशेंट को थोड़ा शांति मिल जाती है। उसके बाद इसको हम यहाँ से डिस्टिल वाटर डाल करके इसको इंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो जब कभी ऐसा होता है नहीं निकल रहा है तो ये याद रखो कि ईथर से करना है, लेकिन ईथर से करने के पहले हमारे पास डिस्टिल वाटर ढेर सारा और दूसरा नया पुलिस को होना चाहिए, ठीक। ये तो हो गया एक नॉर्मल कंडीशन में कोई सर्जरी हमने किया है उसमें यूरिन आउटपुट हमको मेजर करना है, तो ये वाला हम टू वे कैथेटर ये कहलाता है। इससे दो रास्ते, एक रास्ते से यूरिन निकलता है और एक रास्ते से बैलून को खिलाते हैं, ठीक है ना। ये तो टू वे कैथेटर है, सब कुछ सेम है, इसमें एक रास्ता और अलग से है, तीन रास्ते। एक से बीचों बीच वाले से यूरिन आ रहा है, यहाँ से यूरोपैक लगा देते हैं, यहाँ से हमने इसको इन्फ्लेट कर दिया है, ये बैलून है, ये बैलून उसका यहाँ पे ये फूल जाता है। ये जो रास्ता है ये भी यूरिन के आने के लिए है, तो ये जो ओपनिंग है इस ओपनिंग से दोनों जुड़े हुए हैं। तो जब किडनी की कोई सर्जरी करते हैं या यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरी करते हैं या यूरेटर की हमने सर्जरी किया है किडनी सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड वहाँ से निकलता है, जब ब्लड निकलता है तो इसमें से आता ब्लड तो पतले पतले उसके लंबे लंबे फाइबर जैसे क्लॉट बन जाते हैं, क्लॉट होते हैं, ब्लड है क्लॉट बनेगा, अब पतला बाहर नहीं आ सकता, तो उस क्लॉट को बचाने के लिए क्लॉट ना बनने पाए हम यहाँ से क्या करते हैं, ग्लूकोज की बॉटलिंग टांग देते हैं, नहीं नॉर्मल सराइन की बॉटल टांग देते हैं, नॉर्मल सराइन को इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ से नॉर्मल सराइन जा रहा है कंटिन्यू और यहाँ से निकल के आ रहा है, नॉर्मल सराइन के कारण से ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, जब क्लॉट नहीं बनता है तो ब्लड यहाँ पे फंसेगा नहीं कहीं ट्यूब के अंदर, फंसेगा नहीं तो यूरिन आता रहेगा, एक चीज। दूसरा, नॉर्मल सराइन जा रहा है वो पानी जैसा होता है कलरलेस, और यदि ये रेड कलर का यहाँ से यूरिन आ रहा है इसका मतलब ब्लीडिंग कंटिन्यू है। 24 घंटे बाद देखते हैं नॉर्मल सराइन जा रहा है जिस कलर का, उसी कलर का निकल रहा है, यानी ब्लीडिंग बंद हो गई है, ठीक है। तो ब्लीडिंग बंद हो गई फिर नॉर्मल सराइन देना पुश करना बंद कर देता है। ये थ्री वे कैथेटर कहलाता है, टू वे कैथेटर और थ्री वे कैथेटर, ये भी आगे चलता है।
जब यूरिन निकल रहा है तो उसी समय सलाइन चलता रहेगा या प्रोस्टेट का पेशेंट है, प्रोस्टेट का पेशेंट है तो उसका जो है रास्ता बंद है, यूरिनरी ट्रैक्ट यूरेथ्रा क्लोज है, ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे, तो हमारा जो कैथेटर है वो अंदर नहीं जा पाता है, कई बार ऐसा होता है, या बीच में यूरेथ्रा में यूरिनरी ब्लैडर के बाहर कोई तरह का ग्रोथ है, यूरेथ्रा जो है उसमें कोई तरह का ग्रोथ है, या स्ट्रिक्चर हो गया है, संकुचित हो गया है, तो हमारा कैथेटर अंदर नहीं जा पा रहा है, लेकिन उसको यूरिन भरा हुआ है, ठीक है ना, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरा हुआ है, नहीं निकालेंगे तो परेशानी होगी, तो उस स्थिति में हम सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करते हैं, ठीक है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर, सुप्रा मतलब ऊपर, सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करते हैं। सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करने के लिए हम लाइगस के नीचे एक छोटा सा लोकल देते हैं स्किन में, स्किन में एक इंसिजन देते हैं, उसके नीचे जो फाइबर से उसको सेपरेट करते हैं, फैलाते हैं, तो हमें यूरिनरी ब्लैडर वहाँ पे फूला हुआ दिख जाता है। जब यूरिनरी ब्लैडर फूला हुआ दिख जाता है तो अगेन स्लग पहन करके और ये निकालते हैं इसमें से, इसको हमने निकाला है, निकालने के बाद इसके आगे ये कैप है, इसको निकालते हैं, कैप को जो हमने निकाला है ये स्टीलेट है, स्टीलेट को अंदर पुश किया तो आगे दिखा एक पिन है ना, पिन निकल के आ गई, नोकदार है, तो इस पिन को सुप्रा प्यूबिक अम्ब्लाइकस के नीचे हमने कट किया है, इसको ऐसे पुश करते हैं, जब इसको पुश करते हैं नीचे की दिशा में तो यूरिनरी ब्लैडर है फूला हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर को ये पंक्चर करता है, पंक्चर कर करके ये अंदर जाता है, अंदर जाता है तो कितना अंदर गया देख लेते हैं, उसके फिर इसको ये यहाँ पे एब्डोमिन के ऊपर ये फिक्स कर दिया है, ठीक है ना, अब ये यहाँ ऊपर से फिक्स है, यहाँ से बैलून को फुला देते हैं, आगे यहाँ पे भी बैलून है, ठीक है, बैलून फुला दिया है और यहाँ से स्टीलेट को निकाल लेते हैं, ये स्टीलेट कहलाता है, ये कॉपर, ये तार है स्टील का, निकाल दिया है और निकालने के बाद यहाँ से यूरोबैग घुसा देते हैं, ठीक है, तो जो भी कलेक्टेड यूरिन है वो यहाँ से बाहर निकलता रहता है, ठीक, उसके बाद फिर हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी करने के बाद फिर नॉर्मल यूरोबैग कैथेटर लगाते हैं, इसको फिर निकाल करके स्किन को क्लोज करते हैं, पहले यूरिनरी ब्लैडर को क्लोज करते हैं, मसल को छोड़ करके फिर स्किन को भी क्लोज करते हैं, तो इमरजेंसी में सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन में अम्ब्लाइकस के नीचे लोकल एनेस्थीसिया लगा करके स्किन को एक लंबा इंसिजन देते हैं वर्टिकल, ठीक है, इंसिजन देने के बाद मसल को स्प्लिट करते हैं और अब वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर फूला हुआ है क्योंकि उसके अंदर यूरिन है दिख जाता है, तो इसको हम पंक्चर कर देते हैं ये स्टीलेट के माध्यम से, ठीक है, पंक्चर करके इसको अंदर पुश किया, यहाँ से एयर डाल करके इसको इन्फ्लेट कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया, अब ये फंसा हुआ है और यहाँ से यूरिन निकल रहा है, लेकिन ये इमरजेंसी में दो चार दिन के लिए है, उसके बाद फिर सर्जरी करके हम इसको निकाल देंगे, ठीक है, ये वन टाइम कैथेटर होते हैं, तो इस कैथेटर को यहाँ पे लगा करके यहाँ पे यूरोबैग को फिट कर देते हैं, ये कौन सा मेल पिन है ना, फीमेल पिन, ठीक है, अभी हमने यंत्र पढ़ा है, स्वास्थ्य यंत्र, यानी ऐसे यंत्र जो खुलने पर स्वास्थ्य आकार देते हैं, ये यंत्र है बोला हमने, ये स्वास्थ्य आकार बन गया, ठीक है ना, ये स्वास्थ्य केंद्र कहलाता है, ठीक, सदंश यंत्र जिससे कोई चीज को पकड़ सके, दंश सदंश, नाड़ी यंत्र जिससे कोई चीज देख सके, एक नाड़ी की तरह, शलाका स्वेटर बनने वाली सिलाई की तरह है ना, तो शलाका है वो, पतला और ठोस यंत्र शलाका कहलाता है, ठीक है ना, और उपयंत्र ऐसे करके यंत्र हमने पढ़े हुए हैं, है ना, तो ये स्वास्थ्य यंत्र के प्रकारों में मॉडल की तरफ से हम देखें तो कौन है, मॉस्किटो फॉर्सेप्स,
अगला टिप बिल्कुल मच्छर पकड़ सके इतना छोटा है, पतला है, ये मॉस्किटो फॉर्सेप कहलाता है। अगला टिप बहुत पतला है, मच्छर को पकड़ सकते हैं मॉस्किटो फॉर्सेप। इसका काम है बहुत पतली आर्टरी या वेन, कहीं सर्जरी कर रहे हैं तो ब्लीडिंग हो रही है तो उससे इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उसको हम फिर कॉटराइज कर देते हैं या उसको बांध देते हैं, बांधने या कॉटराइज कर रहे हैं। बांधने कॉटराइज करने के लिए पकड़ना जरूरी है, तब ये मॉस्किटो फॉर्सेप से उसको हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। आर्टरी या वेन जो बहुत पतली आर्टरी वेन है उसको पकड़ने के लिए ये देख लें, बड़ी आर्टरी वेन है उसको पकड़ने के लिए ये आर्टरी फॉर्सेप चीज हुई है। नाम एक मॉस्किटो फॉर्सेप और एक आर्टरी फॉर्सेप, बात हुई एक ही है। अगला हिस्सा पीछे का हिस्सा हैंडल है, ब्लेड में लाइंस है, ठीक है, सर्टेन लाइंस है, उसके कारण से कोई भी चीज पकड़ अच्छी होती है। एक ब्लेड जो है मुड़ा हुआ है, तो ये कर्व आर्टरी फॉर्सेप या कर्व मॉस्किटो फॉर्सेप, ठीक है ना, तो दोनों में इसका स्ट्रेट भी आता है, स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप, स्ट्रेट मॉस्किटो फॉर्सेप, ठीक है ना। इसका ब्लेड छोटा होता है मॉस्किटो आर्टरी फॉर्सेप का, छोटी सी ब्लड वेसल को पकड़ना है, ठीक है। कई बार अंदर कहीं पस पॉकेट है, उस पस पॉकेट को ढूंढना है, तो ये साइनस फॉर्सेप कहलाता है। इसका ब्लेड लंबा होता है और पतला होता है, ये साइनस फॉर्सेप कहलाता है, लंबा और पतला। ऐसे एक और ब्लेड है, इसका ब्लेड और छोटा है लंबाई में, इसे बीच में गड्ढा होता है, ये निडल होल्डर कहलाता है। इसमें निडल को पकड़ते हैं और स्टिच करते हैं, ये साइनस फॉर्सेप, ये निडल होल्डर। निडल होल्डर की पहचान इसमें जो लाइंस बनी हुई है उसके बीच में गड्ढा होगा, ठीक है। साइनस फॉर्सेप का ब्लेड लंबा होगा, नेटिल ऑर्डर का ब्लेड और छोटा होगा, ठीक है। और स्वास्थ्य यंत्र जिसका ब्लेड बहुत लंबा है, ब्लेड शुरू में सकरा है, अंत में जाकर के चपटा होकर के बड़ा सा हो जाता है और बीचों बीच छेद है, इसमें भी लाइंस है पूरे बनी हुई, ठीक है। लाइंस होने के कारण से ये स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप, कोई भी कॉटन या सोडा आप इसमें पकड़ करके और साफ सफाई क्लीनिंग करने के लिए, तो ये स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। इसी में एक और फॉर्सेप आता है, अभी शायद ओटी में रखा हो, मैं देखता हूँ निकलवाऊंगा कल परसों में दिखा दूंगा। तो उसमें बिल्कुल किनारे में चारों तरफ से गड्ढा बना होता है, जो गड्ढा बना होता है वो पाइल्स होल्डिंग फॉर्सेप है, साइज ऐसे ही रहता है, दूर से देखने में ऐसे होता है, जब खोल के देखेंगे तो गड्ढा बना हो तो पाइल्स होल्डिंग फॉर्सेप, और गड्ढा नहीं बना इस तरह की लाइन्स है तो स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप। स्पंज होल्डिंग की तरह अगला हिस्सा भी उसमें छेद है, लेकिन जो इसका टिप है वो सांप के फन की तरह मुड़ गया है, और दोनों तरफ का मुड़ने के बाद ये एक ऐसा स्पेस बन जाता है। ये है बैबकॉक, बैबकॉक है, बैबकॉक का काम है जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको पकड़ने के लिए, स्टमक को पकड़ना है तो इससे पकड़ेंगे, इंटेस्टाइन पकड़ना है तो इससे पकड़ेंगे, तो सॉफ्ट टिश्यू पकड़ने के लिए इसलिए ये चिकना रहता है इधर, ये बैकबोन है। इसमें भी ब्लेड लंबा है, आगे की तरफ मुड़ा है, लेकिन मुड़ा हुआ कम है, सांप के फन की तरह इसमें ज्यादा मुड़ा हुआ है, इसमें कम मुड़ा हुआ है, छेद नहीं है, और इसमें टिप पे दांते बने हुए हैं, ये एलीस फॉर्सेप है, दांते बने हुए, इससे हार्ड टिश्यू पकड़ते हैं, इससे सॉफ्ट टिश्यू पकड़ते हैं, इससे हार्ड टिश्यू, बोन है, पेरियोस्टियम है, स्किन है, इससे यदि छेद हो भी जाए तो चलेगा, लेकिन इससे यदि हमने एब्डोमेन ये स्टमक पकड़ लिया, इंटेस्टाइन पकड़ लिया तो उसमें छेद हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा, है ना। तो ये एलीज है हार्ड टिश्यू पकड़ने के लिए, और ये बैबकॉक है सॉफ्ट टिश्यू पकड़ने के लिए। कई पर स्टोन है, किडनी है, यूरेटर है, तो वहां से स्टोन को पकड़ के निकालना है, ये स्टोन होल्डिंग फॉर्सेप है। इसका ब्लेड एक तो मुड़ा हुआ, चपटा, बीच में छेद और लाइन्स है उसमें, है ना, तो इस तरह से 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ
प्लेट स्टोन मोल्डिंग सब पकड़ में आ जाएगा, पूरा बंदर सब पकड़ में आ जाएगा, छोटे से छोटा भी आ जाएगा, बड़े से बड़ा भी आ जाएगा, है ना। ओनली कील पर पीछे कील लगी होती है, खोला तो स्वास्थ्य का आकार बन जाता है, ठीक है ना। और उससे हम कोई चीज़ पकड़ करके अपना काम कर सकते हैं, ये पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन इस स्वास्थ्य जो आज के स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें एक लॉक सिस्टम है, ये आवाज सुन लॉक है, ये आवाज है। तो हमारे यहाँ बताया गया सदन क्षेत्र, सदन यंत्र चिमटे की तरह होता है, वो आगे स्टोन मोल्डिंग देख लो फिर उसके बाद करते हैं। सदन यंत्र चिमटे के आकार के होते हैं, एक तरफ से बंद होते हैं, दूसरी तरफ से खुले होते हैं, ठीक। इससे हम किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं, एक पकड़ करके ज्यादा देर रखना हो तो इस चिमटे में एक ताला जैसा वो एक रिंग लगा रहता है, एक छल्ला लगा रहता है, उस छल्ले को जो हम आगे कर देते हैं तो एक सदन क्षेत्र बंद हो जाता है, ठीक है ना। पीछे कर देते हैं तो सदन क्षेत्र खुल जाता है। एक्चुअली वो जो सदन क्षेत्र होते हैं उसमें यहाँ तो पतला रहता है लेकिन आगे जाकर के बहुत चौड़ा हो जाता है, तो हमने जब छल्ले को आगे कर दिया तो चौड़ाई में गया तो बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, हमने कोई चीज़ को पकड़ के छोड़ दिया। ये पहले का पुराना सदन क्षेत्र था। साधु लोगों का चिमटा, साधु लोगों के पास जो होता है उसको ध्यान से देखो तो पीछे पतला होता है, आगे चौड़ा होता है, उसमें एक छल्ला होता है, उस छल्ले को आगे खसका दिया तो बंद हो जाता है। हमारे यहाँ भी मॉडल जो चेंजेस किया है, चेंजेस करने में लॉक सिस्टम जो रिंग था आगे छल्ला लगाए होते हैं वो रिंग को यहाँ पे लगा दिया, लॉक सिस्टम यहाँ लगा दिया, यानी स्वास्थ्य केंद्र में लॉक सिस्टम लगा दिया है और जो सदन यंत्र था उससे लॉक हटा दिया है। ये सदन यंत्र है, फोर्सेप है, प्लेन फोर्सेप और टूथ फोर्सेप, दो प्रकार के फोर्सेप यूज होते हैं। एक है ये प्लेन फोर्सेप, प्लेन फोर्सेप में अगला सिरा बिल्कुल चिकना होता है, टूथ फोर्सेप में एक दांत होता है। सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए प्लेन फोर्सेप यूज होता है और हार्ड टिश्यू को पकड़ने के लिए टूथ फोर्सेप होता है। बेबकॉक जैसी कोई चीज पकड़ना है, स्टमक इंटेस्टाइन पकड़ना है तो प्लेन फोर्सेप, स्किन पेरिओस्टियम बोन इसको पकड़ना है तो टूथ फोर्सेप। ताल यंत्र, ताल यंत्र में एक ताल दुई ताल ऐसा कटोरी जैसा बना होता है तो ताल यंत्र है। कान का मैल निकालने का देखा होगा सबने, है ना, दूसरे उसको नहीं दिखाया है तो वो ताल यंत्र है। एक तरफ एक ताल बना हो तो एक ताल यंत्र, दोनों तरफ बने हो तो दुई ताल, ठीक है ना। स्कूप बना हो तो कोई भी पस कलेक्शन है उसको ऐसे वहां से निकाल तो वो हो गया। नाड़ी यंत्र जिसके द्वारा कोई चीज देखी जाती है तो नाड़ी यंत्र, ये एक नाड़ी यंत्र है। हम यहाँ से देख सकते हैं भीतर अंदर क्या है, यहाँ पे है ना, उसको देख सकते हैं। ये है प्रोक्टोस्कोप, पाइल्स को, प्रोक्टो मतलब पाइल्स, पाइल्स को देखने वाला स्कोप, ठीक है ना, प्रोक्टोस्कोप। ये नाड़ी यंत्र है, ये नाड़ी यंत्र में एक स्टीलेट होता है। अब हमने ऐसे ही यदि इसको एनल कैनाल में डाल दिया अंदर तो एनल कैनाल की म्यूकोसा को ये काट सकता है, ट्रॉमेटाइज कर देगा, ट्रॉमेटाइज कर देगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। तो उस ब्लीडिंग से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए ट्रोकार इसमें लगा देते हैं, ट्रोकार लगा दिया, चिकना है बिल्कुल, फिट बैठ गया है। यहाँ पे जेलोफिन जेल लगा, इसको भीतर प्रवेश करा दिया, प्रवेश कराने के बाद इसको यहाँ से ऐसे निकाल देते हैं। निकालने के बाद यहाँ से टॉर्च की लाइट देखते हैं तो टॉर्च की लाइट अंदर जाती है और अंदर जो भी हैं चीज़ें हैं उनको दिखाई देते हैं, इंटरनल फाइल मास है उनको दिखाई देते हैं। ये प्रॉक्टोस, ठीक। सुश्रुत में दो प्रकार के अर्शो यंत्र होता है, ये वास्तव में एक अर्शो यंत्र है, नाड़ी यंत्र का ही एक है, उसमें अर्शो यंत्र भी एक है। तो एक अर्शो यंत्र ये बताया है देखने के लिए, दूसरा अर्शो यंत्र बोला है चिकित्सा कार्य करने के। दो प्रकार के अर्शो यंत्र होता है, चिकित्सा कार्य करना यानी उसमें जो पाइलमास हमको है अर्श लिखा है उस अर्श में क्षार को लगाना है, और हमने यहाँ से क्षार को देख लिया है, अर्श को देख लिया है यहाँ पे है, लेकिन यहाँ से क्षार को लगाना बड़ा मुश्किल काम, डिफिकल्ट काम है। तो उसके लिए जो उन्होंने डिज़ाइन बताया था वो डिज़ाइन हमने यहाँ पे ये करवाया है, मार्केट में नहीं आता है। ये अर्शो यंत्र है, हमने क्या किया, इसका जो ये टिप था
उस टिप को यहाँ पे वेल्डिंग करा दिया। ठीक, यहाँ पे एक छेद करा दिया और यहाँ छेद से जो प्लेट निकली उसको यहाँ पे वेल्डिंग करा दिया, यहाँ से कट करके टिप को यहाँ। अब ये वेल्डिंग किया हुआ ये यहाँ पे ऐसे लग गया। हमने देख लिया इसकी सहायता से कि अर्श कहाँ पे है, 3711 कहाँ पे है। तो इसको हमने भीतर प्रवेश किया, प्रवेश करने का इसको निकाल दिया, ये 3 o'clock पर पहुँच गया। तो अर्श जो पाइल मास है वो यहाँ से अंदर आ जाएगा ये। ठीक है, अंदर आ गया, अंदर आ गया, हमने यहाँ पे आराम से छार लगा दिया। तो छार केवल अर्श में लगेगा, बाकी की म्यूकोसा में नहीं लगेगा, बाकी की म्यूकोसा डैमेज नहीं लगेगा। छार लगाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे उंगली से और इसको पुश करके ऊपर कर दिया और इसको फिर से लगा करके बाहर निकाल दिया। ये चिकित्सा कार्य करने के लिए अर्शोयंत्र है, ये देखने के लिए अर्शोयंत्र। ये डिजाइन हमने किया है, ये मार्केट में कैंची, ठीक है ना। ये कर्तरी सर, दो प्रकार की कर्तरी आती है इसमें, एक ब्लेड चौड़ा है, एक ब्लेड पतला है। तो एक चौड़ा होने के कारण से ये ब्लंट सीजर कहलाता है, और बहुत बार देखा होगा घर में यूज करते हैं, दोनों ब्लेड पतले होते हैं कागज काटने के लिए गर्म यूज होता है, वो शार्प सीजर है, दोनों ब्लेड पतले हैं, इसमें एक ब्लेड चौड़ा है, इसलिए इसको ब्लंट सीजर कहते हैं, और बाकी जो यूज होता है दैट इज शार्प सीजर। ठीक है, दो प्रकार के सीजर हैं। इस सीजर में भी एक और प्रकार की डिवीजन मिलता है, स्ट्रेट सीजर और कर्व सीजर दोनों में। यदि ब्लेड सीधा सीधा है तो स्ट्रेट सीजर, दोनों का ब्लेड मुड़ा हुआ है तो कर्व सीजर। ठीक है ना, तो शार्प कर्व सीजर, ब्लंट कर्व सीजर, स्ट्रेट कर्व सीजर, स्ट्रेट ब्लंट सीजर। ठीक है, बताइए मंडलाग, पूछ, सूची पत्र, अनेक प्रकार के। तो वास्तव में क्या है, जिस ब्लेड का आगे का हिस्सा अर्ध गोलाकार है, सेमी सर्कल, तो मंडलाग हो गया, आगे पॉइंटेड है तो पूछ हो गया, सूची पत्र हो गया। ऐसे अलग अलग प्रकार के ब्लेड यूज करने के लिए बताए हैं हमारे यहाँ। मॉडर्न वालों ने भी क्या किया, बहुत तरह के ब्लेड निकाले, करीब करीब 12-15 प्रकार के ब्लेड निकाल लिए हैं। तो ब्लेड पॉइंट टिप, उसकी पॉइंट भी है, टिप हाफ सर्किल है, टिप फुल सर्किल है, ऐसे अलग अलग आ गए हैं, और उसके लिए अलग अलग हैंडल यूज किए हैं। इस हैंडल में ब्लेड लगाया, अपना काम किया, ब्लेड को फेंक दिया, हैंडल फिर तक ठीक हो गया काम करने के लिए। तो ये जो हैंडल है इसका नाम है बी पी हैंडल, बर्ड पार्कर हैंडल, बी फॉर बर्ड, बी फॉर पार्कर हैंडल। तो ये बर्ड पार्कर हैंडल है, दो साइज में आता है, 3 नंबर और 4 नंबर, अलग अलग तरह के ब्लेड लगाने के लिए। ये 3 नंबर का हैंडल है, इसमें ये 11 नंबर का ब्लेड है, ये 11 नंबर का ब्लेड हम इसमें तो साथ में लगाते हैं। ध्यान से आवाज सुनना, क्लिक साउंड आया, लॉक हो गया। ठीक है ना, इसको निकालना हो तो पीछे से ठीक फसाना है तो आगे से। इसका जो आगे का हिस्सा है इसमें बीच में कट लगा हुआ है, इसमें भी ब्लेड जा करके फंस जाता है, बर्ड पार्कर हैंडल। ये देखो सूची पत्र, सदन क्षेत्र, स्वास्थ्य कुमार सदन क्षेत्र ने बताया था, दो प्रकार के सदन क्षेत्र दिखाए थे, एक प्लेन फॉर्सेप्स, एक टूथ फॉर्सेप्स। इसमें क्या किया है, ये जो सदन क्षेत्र है इसको इसको घुमा दिया 180 डिग्री घुमा करके, और इस तरह से बना दिया है, ये टॉवल क्लिप कहलाता है। ठीक है, तो अब घूम गया तो ये ऐसे खोला, तो सर्जरी करने के पहले एब्डोमेन को पेंट करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद डिफरेंट टॉवल रख करके और इस टॉवल क्लिप से दबा देते हैं, जिससे कि टॉवल इधर उधर न खिस गए, ये टॉवल क्लिप कहलाता है। सीवन कर्म के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक तो सूची और दूसरा सूत्र, यानी धागा, सूची यानी
सूची को सुश्रुत ने तीन प्रकार की सूची बताई है पुस्तक में, वास्तव में चार प्रकार की सूची है। एक तो सूची बताई है ऋजु, और एक बताई है धनुर्वक्रा। ऋजु यानी बिल्कुल सीधी प्लेन स्ट्रेट स्ट्रेट निडल, और दूसरी बताइए धनुर्वक्रा, धनुर यानी धनुष, धनुष के आकार की मुड़ी, और तीसरी बताई है वृत्ता और त्रिधा, ठीक है ना, उसको एक कर दिया। तो वास्तव में सूची चार प्रकार की सुश्रुत ने बताई थी। आज के जमाने में सन 2023 में भी पूरी दुनिया में सूची चार प्रकार की है। सुश्रुत के बताया चार को ना तो कोई तीन कर पाया है ना कोई पांच कर पाया है। स्ट्रेट निडल सबने देखा है घर में मिलता है, वो स्ट्रेट निडल है। ये निडल देखो ध्यान से, ये मुड़ा हुआ है, कर्व है, तो ये कर्व निडल कहलाता है। कर्व निडल यानी धनुष का आकार का मुड़ा हुआ धनुर्वक्रा। तो ऋजु घर में है, धनुर्वक्रा ये है। अब इसका जो टिप है, ये टिप नोक, ये टिप दो प्रकार के आते हैं। सुश्रुत ने बताया एक तो त्रिधा और दूसरा वृत्ता, यानी राउंड है या कटिंग है। यदि ट्रायंगल है टिप तो ट्रायंगल टिप है तो वो कटिंग कर सकता है, कटिंग करके अंदर पहुंच जाएंगे, और राउंड है ट्रायंगल नहीं है तो वो कटिंग नहीं करेगा। सॉफ्ट टिश्यू को सिलने के लिए, स्टमक इंटेस्टाइन को सिलने के लिए हम राउंड बॉडी निडल का यूज करते हैं, कटिंग का नहीं करते, कटिंग से थोड़ा सा छेद बने वो छेद कर जाते। लेकिन हार्ड टिश्यू को सिलने के लिए कटिंग ट्रायंगल निडल का यूज करते हैं। हार्ड टिश्यू यानी स्किन पेरियोस्टियम, इसके लिए हार्ड टिश्यू के लिए हम कटिंग, ठीक है। त्रिधा, तो त्रिधा वृत्ता धनुर्वक्रा और ऋजु चार प्रकार के निडल उन्होंने बताए थे। हम यहाँ पे लेकर के आए हैं गर्व कटिंग निडल, तो ध्यान से देखो उसका टिप, तो तीन स्वैप होंगे उसके, तीन लेयर सरफेस हैं, तीन सरफेस हैं, यानी ये कटिंग है, तोड़ो आराम से टूट जाएगा, ठीक है। तो स्किन को स्टिच करने के लिए इसका यूज करते हैं कॉटन थ्रेड, दूसरा सिल्क थ्रेड का यूज करते हैं स्किन को स्टिच करने के लिए। ये इंग्लैंड का बना हुआ कॉटन थ्रेड है, इंग्लैंड का बना हुआ, इसको बार्बर थ्रेड कहते हैं, बार्बर कंपनी का थ्रेड है। ये इतना मजबूत होता है कि जब तोड़ने की कोशिश करें तो हमारे हाथ में कट लग जाएगा। इसका उपयोग हम लोग चार सूत्र बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत टाइट करना पड़ता है। इसमें करेंगे तो चार सूत्र जैसे टाइट करेंगे टूट के अलग हो जाएगा। ये बार्बर थ्रेड है, इसका उपयोग हम लोग चार सूत्र बनाने में करते हैं। ये प्लेन कॉटन थ्रेड है जिससे स्किन को स्टिच करने के लिए करते हैं। ये शलाकाई होता है, स्वेटर बनने की सिलाई होती है उसके समान है, या सूजा होता है बोरे सिलने का उसके समान है। ये शलाकाई यंत्र है, आगे की तरफ नोक होता है, पीछे की तरफ एक छेद होता है, इससे चार सूत्र लगा करके चार सूत्र का प्रयोग करते हैं शलाकाई। इससे हम नाड़ी व्रण को भी देख सकते हैं, कोई नाड़ी व्रण लंबा ट्रैक है तो वो भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ रखें। तो शलाकाई यंत्र हमारे यहाँ तीन प्रकार के शलाकाई यंत्र बताए गए हैं, तांबे का बना हुआ, स्वर्ण का बना हुआ, चांदी का बना हुआ। स्वर्ण रजत ताम्र तीन प्रकार के शलाका यंत्र उपयोग करने के लिए बताए हैं। वो इसलिए बताए हैं कि जो नाड़ी व्रण होता है या भगंदर का व्रण होता है वो सीधा नहीं होता है, वो चूहे के बिल की तरह आड़े पीछे जाता है। तो जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे हमारा ये इंस्ट्रूमेंट मुड़ सकता है, मैलिएबल होता है, टूटता नहीं है। कॉपर का थोड़ा सा हार्ड होता है, सिल्वर का गोल्ड का और सॉफ्ट होता है, सिल्वर का और सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो मेरे लिए भी होता है, गोल्ड सिल्वर इसलिए नहीं रखते हैं कि हम रखेंगे तो फिर है ना, कॉपर है तो बचा हुआ है, ठीक है, और ज़्यादा यूज कर दिया।